हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हम NH24 पर हैं और हम यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं और हम क्रॉसिंग की आपको वीडियो दिखाएंगे और नोएडा एक्सटेंशन की। ये देखिए, यह क्रॉसिंग का है एरिया। यहाँ से हम NH24 से मुड़ चुके हैं और हम क्रॉसिंग की तरफ से नोएडा एक्सटेंशन जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी सारी सोसाइटी आ रही है और यहाँ की सड़कें का क्या हाल है। ये गाजियाबाद का एक बड़ा हिस्सा है जो क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल टू लेन हाईवे है और कहीं कहीं पे यहाँ पे टू लेन सिंगल हाईवे है और आगे चल के ये फोर लेन हो गया है। इसके जो मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा नाला है जो साथ साथ इससे चल रहा है। इस रोड के बड़ा कंजेस्टेड एरिया है दोस्तों, बहुत ही जितनी ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटी है उससे हिसाब से ये रोड पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोसाइटी है, बहुत से लोग जो मेरठ से या गाजियाबाद से आते हैं वो और नोएडा एक्सटेंशन जाना होता है तो वो इस शॉर्टकट रास्ते को यूज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नाले के उस पार भी सोसाइटी है, आपको दिख रहा होगा। पर यहाँ देखिए हरियाली बहुत ज़्यादा है, ये चारों तरफ पेड़ पौधे और रोड पे बीच में ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन चीज नज़र आ रही है। हम यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों और हम आपको दिखाएंगे कि ये शॉर्टकट रास्ते से कैसे नोएडा एक्सटेंशन जाते हैं। जो क्रॉसिंग में रहते हैं लोग बाग वो इसी रास्ते तो यूज करके दिल्ली से होते हुए नोएडा की तरफ होते हुए दिल्ली जाते हैं। ये जो सोसाइटी वाले हैं, इन सोसाइटी वालों की भी बात कर रहा हूँ मैं, और जो गाजियाबाद से आते हैं जिन्हें नोएडा एक्सटेंशन जाना होता है वो भी शॉर्टकट रास्ते को यूज करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, यहीं क्रॉसिंग का ये गाजियाबाद ख़त्म हो जाता और ये एक नाला है, इसके बाद ये इधर की तरफ नोएडा एक्सटेंशन चालू हो जाता है। इसे शाहबाद डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में आपने एक दो साल पहले सुना होगा जब यहाँ दीपावली के एक परिवार बिल्डिंग गिर रही थी तो ये लोगों की जानकारी में शाहबाद डेयरी का न्यूज पे भी चैनलों पर चला था कि यहाँ अनअथॉरिटी बिल्डर भी हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग बना रखी है। अब देखिए ये सारा कुछ कितना कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा जाम भी लगता है। अब देखिए आपके सामने ही कितना ज़्यादा जाम है। इस रास्ते से अगर आप बचें तो वो ही सही है, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड ये रास्ता होने के कारण, रोड होने के कारण यहाँ पर लगभग गाड़ियाँ फंस जाती है। शाम के समय तो और बुरा हाल हो जाता है, ये तो सुबह का समय है दोस्तों, 11-12 बजे का समय है ये। नहीं तो सुबह और शाम में तो बहुत ज़्यादा, जब नौकरी के लिए आदमी निकलता है तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है, शाम में तो और बुरा हाल होता है। देखिए दोस्तों उधर की तरफ कितना जाम लग रहा है NH
S24 की तरफ जाने वाले हैं। ऐसी लगता है दोस्तों ये जाम। और यहीं पर कई सारे छोटे छोटे बिल्डरों ने अपना ये चार चार माले की बिल्डिंग बनाकर सेल किया हुआ है और यहाँ पे बहुत से लोग रहते भी हैं। यही देखिए कितना तंग रास्ता है। वो जो सामने आपको एक ऊंची बिल्डिंग दिख रही होगी वहां से नोएडा यहाँ रोड चोरी हो जाएगी और वही नोएडा स्टेशन के करीब हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर की भी बहुत बड़ी मार्केट है जो आगे आपको दिखेगी। ये देखिए ये किसी का आश्रम है तो आपको वो मार्केट दिखेगी। हाल ही में अभी नोएडा अथॉरिटी द्वारा इसे तोड़ दिया गया था कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है। दुकान को खोल ली गई है पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी तो ये फिर दोबारा से बन चुकी है और इसमें अब तोड़ के थोड़ी पार्किंग की जगह दी गई है। इस कारण एक बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। पर बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे फर्नीचर की। आगे आपको दिखाएंगे वो मार्केट जब आएगी तो। दिल्ली में बैठा हुआ दोस्तों। ये तो हमने आपको बना के दिखाया है कि कैसे कैसे आप इस शॉर्ट कट रास्ता भी है जिसके द्वारा आप क्रॉसिंग से होते हुए नोएडा स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों यही है वो, देखिए यही तोड़ा था अभी नोएडा अथॉरिटी ने और यहाँ पर ये दोबारा से आप पार्किंग की जगह आगे छोड़कर उन्होंने बनाया है और ये सारी फर्नीचर की मार्केट है। यहाँ पर फर्नीचर की बहुत ज़्यादा सामान मिलते हैं, हर किस्म के सामान मिलते हैं। ये देखिए ये मार्केट है, उस मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये सारे सोसाइटी वाले क्रॉसिंग वाले आके यहाँ पर खरीदारी करते हैं और भी बाहर के लोग आते हैं। ये तक यहाँ तक तो दोस्तों ये साबा डेयरी और यहाँ से अब रोड आपको चौड़ी दिख रही है और ये नोएडा स्टेशन का इलाका यहाँ से चालू हो जाता है और यहाँ से बिल्डर आपको दिख जाएगा। ये ब्लू वो करके है कोई सोसाइटी, इसके बराबर में ATS है। सामने वो गौर सौंदर्यम आपको दिखेगा। अब हम नोएडा स्टेशन के अंदर आ गए। इसी रोड को लोग बाग क्रॉसिंग वाले गाजियाबाद वाले यूज करते हैं। ये सामने आपको ब्लू सफायर का कमर्शियल दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं, एक लाइन से 15 कमर्शियल आ रहे हैं। सोसाइटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप है रेजिडेंशियल और कमर्शियल का। देखिए दोस्तों ये एक और गोल चक्कर है इसी के सामने। ये चार मूर्ति और एक मूर्ति के बीच का गोल चक्कर है दोस्तों। और हम यहाँ से टर्न लेके गौर सौंदर्यम की तरफ जाएंगे, वहीं तक का हमारा सफ़र है। और हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था दोस्तों कि हम आपको NH24 से नोएडा स्टेशन और क्रॉसिंग होते हुए आपको बता सकें कि एक रास्ता ये भी है
और ये सामने देखिए आपको कमर्शियल दिख रहे होंगे, और इधर रेजिडेंशियल मेरे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे कमर्शियल हैं ये सारे। और यहाँ पे भी रोड NH24 जितनी ही चौड़ी है या उससे ज़्यादा, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा है, ये बीचों बीच आप डिवाइडर देख रहे हैं तो ये ग्रीन बेल्ट है दोस्तों। और ये जो आप सौंदर्यम का सोसाइटी देख रहे हैं ये पीछे है, इसके बीच बराबर में ये सब ग्रीन बेल्ट है दोस्तों। बड़ी बेहतरीन तरीके से अथॉरिटी ने यहाँ पर बनाया है, और ये सर्विस लेन है, और ये देखिए ग्रीन बेल्ट ये गवर्नमेंट है, इस पे भी आने वाले समय में मेट्रो आ रही है। चलिए दोस्तों, आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।